सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पाश्चात्य संस्कृति और प्राच्य संस्कृति का कुछ भेद आपके समक्ष रख रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति कहती है संसार जो बाहर दिखलाई पड़ रहा है वो केवल संसार है। प्राच्य संस्कृति कहती है बाहर दिखलाई पड़ने वाला संसार नहीं अपितु जो अंदर दिखलाई पड़े वो संसार है। भौतिकवादी कहते हैं बाहर के रूप को, रंग को, दुकान को, व्यवसाय को, गाड़ी को, मकान को देख करके हम कल्पना करते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। पुरातन संस्कृति उस व्यक्ति के कुल को, उसके माता पिता को, उसकी दिव्य भावना को देख करके ये विचार करती है कि ये व्यक्ति कैसा है। भौतिकवाद को देख करके हम काल के ग्रास बन जाते हैं, उसके माया चक्कर में फंस जाते हैं, परंतु यदि हमने उसके कुल को देखा होगा, उसकी जाति को देखा होगा, उसकी क्रिया को देखा होगा, तो हम उसके काल के चक्र में फंसने वाले नहीं हैं। भौतिकवादी व्यक्ति को सब कुछ चाहिए और अध्यात्मवादी व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए। वो चकाचौंध से दूर रहना चाहता है और वो चकाचौंध में ही केवल रहना चाहता है, बस यही अंतर है। भौतिकवादी व्यक्ति कहता है बहिर्मुखी इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ बोलना चाहता है उसको बोलना पड़ता है, तब व्यक्ति समझते हैं। और अध्यात्मवादी व्यक्ति के पास में कुछ बोलना नहीं पड़ता, वो भावना से ही समझ लिया करता है, बस यही अंतर होता है। पाश्चात्य संस्कृति वाले मोबाइल की संस्कृति को, टीवी की संस्कृति को, सिनेमा की संस्कृति को, दोस्ती को, पार्टी को, इनकी बातें सुना करते हैं। और अध्यात्मवादी लोग पूजा पाठ करके, कुल मर्यादा का ध्यान रख के, रीति रिवाजों को जीवन में उतार करके और माता पिता की वाणी पर विश्वास करके अपने जीवन का कल्याण किया करते हैं।